हिंदी कम बोल और समझ पाने वाली एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी अब सिनेमा के सियासत की दांव पे समझने लगी हैं। अब फिल्मी पत्रकारों के सवालों की गुगली भी आसानी से खेल जाती हैं। इस बार ऐसा ही कुछ देखने को मिला तब जीरो के गाने हुस्न परचम की लॉन्चिंग के मौके पर। फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल रॉय ने इस गाने की रिलीज पर फिल्म जीरो की कास्ट से सिर्फ और सिर्फ कैटरीना कैफ को ही बुलाया था। कैटरीना के अलावा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अजय अतुल और लिरिसिस्ट इरशाद कामिल और कोरियोग्राफर बॉस को भी इस इवेंट में मौजूद थे। पहले दो कैटरीना ने अपनी एंट्री पर गाने की धुन पर लाइव डांस करके मीडिया को चौंकाया। फिर जब गाने के रिलीज फंक्शन में उनसे ये सवाल किया गया कि जब तक है जान में उन्हें जो मौका नहीं मिला वो जीरो में उन्हें मिल गया। सवाल फिल्म के पहले गाने इश्कबाज शाहरुख और कैटरीना के केस की हो रही थी। कैटरीना ने सवाल ही ट्विस्ट कर दिया। कैटरीना ने कहा कि जब तक है जान में मौका मैंने नहीं शाहरुख ने खोया और जीरो में भी मौका मुझे नहीं शाहरुख को ही मिला है। मुझसे कुछ पाने का तो सौभाग्य मुझे खुद को नहीं बल्कि शाहरुख को खुद को ही समझना चाहिए। वहीं सलमान को लेकर पूछे गए सवाल में कैट ने कहा कि जीरो में एक्टिंग करके सलमान खान ने जो काम किया है उसे आनंद एल राय ताउम्र याद रखेंगे। ये बात सलमान भी जानते हैं और आनंद भी। वेल कैट की बेबाकी से ये तो साफ है कि कैटरीना डम ब्यूटी नहीं रही। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। We'll be right back.